ये बोतल लग गया है, जो भी लेवल सेटिंग है, छोटा बड़ी साइज का साइज है तो वो हिसाब से आपको अप डाउन सेटिंग करना है। स्टिकर कहाँ पे लगाना है, स्टिकर आपको ए ग्रिप में लगाना है या स्टिकर यहाँ पे लगाना है? अगर यहाँ पे लगाना है तो आप इसका साइज सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल ग्रिप हमने बोतल का दिया इसलिए हम यहाँ पे स्टिकर लगाने वाले इसमें। अब देखिए ये आपने बोतल लगा दिया और इस तरह से खाली आपको ये फाइनल बोतल आपका लेबल लग चुका है बेहतरीन क्वालिटी का फिनिशिंग वाला। आप देखिए स्टेप टू स्टेप कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं, हमने जो यहाँ पे डेट कोडिंग का स्टैम्प गिरेगा जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो एक साथ यहाँ पे स्टैम्प दिया है। देखिए इसमें से डेट होगा इसके अंदर, अभी हम दबाएंगे इसलिए देखिए इसके साथ ही स्टैम्प होगा दोस्तों। अब देखिए स्टैम्प लग चुका है, यहाँ पे हमें बोतल दिखा है और ये बोतल देखिए एक 0% भी अंतर नहीं है। यहाँ पे देखिए तारीख जो भी हमने 42/29 लिखा है तो ये डेट है और इसको और लाइट डार्क करना है तो आप जानते हैं डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग और कुछ ना कुछ स्पेशल जो बाजार से अलग रहता है तो लेके आए, तो आज स्पेशली हमारी कंपनी लेके आई है ऑटोमेटिक लेबलिंग मशीन विथ डेट कोडिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग और कुछ ना कुछ स्पेशल जो बाजार से अलग रहता है तो लेके आए, तो आज स्पेशली हमारी कंपनी लेके आई है ऑटोमेटिक लेबलिंग मशीन विथ डेट कोडिंग। मशीन बोतल के ऊपर लेबल भी लगाएगी और तारीख भी लगाएगी दोस्तों, 2-in-1 मशीन है। एक ही मशीन से आप दोनों काम कर सकते हो, प्लस ये मशीन से जरूरी नहीं है कि होली सोडा का ही बोतल आप लेबलिंग कर सकते हो, ये मशीन के अंदर से आप सोडा का दवाई बोतल है, पानी का बोतल है, दवाई का बोतल है, कोई भी राउंड शेप बोतल रहता है उसके ऊपर आप लेबलिंग कर सकते हो। टिन जो रहता है प्लास्टिक के टिन रहते हैं उसके ऊपर भी इसको लेबलिंग कर सकते हैं, ग्लास का बोतल है, कांच का बोतल है उसके ऊपर भी आप ये मशीन में से लेबलिंग कर सकते हो। प्लस ये मशीन में आप 100 ml से लेके 2.25 liter तक का बोतल का प्रोडक्शन कर सकते हो और छोटी साइज बड़ी साइज कोई भी साइज का बोतल है उसके ऊपर लेबलिंग प्लस डेट कोडिंग लगा सकते हो। ऑलरेडी हमने इसके अंदर लेबलिंग लगाया हुआ है दोस्तों, आप देखिए यही मशीन के अंदर से लेबलिंग लगाया, कितना सुंदर और कितना अच्छा लेबलिंग लगा इसके अंदर। आप देखिए फिनिशिंग वाला लेवल लगा है, जरा भी ऊपर नहीं है, जरा भी नीचे नहीं है, स्टेप टू स्टेप चारों साइड से देखिए एक ही लेवल से लेवल लगाए। अब देखिए कहीं पे भी ऊपर नहीं है, कहीं पे भी नीचे नहीं है, हाथ से लगाते हैं या दूसरी कोई मशीन से तो ऊपर नीचे लेवल लगता है। प्लस यहाँ पे डेट भी लगाया, देखिए जो भी आप इसके अंदर स्टैंपिंग डेट लगाएंगे, तारीख लगाना है, बैच नंबर लगाना है, कुछ भी लगाना है तो यहाँ पे आप पंचिंग लगा के एक साथ 3 लाइन कर सकते हो, 1, 2 और 3 लाइन भी भर सकते हो। फिलहाल अभी हमने एक ही लाइन भरा है, आपको अगर 2-3 लाइन भी भरना है तो इसके अंदर आप भर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास खाली बोटल्स पड़े हुए, अब देखिए दोस्तों जिसके ऊपर लेबल नहीं लगा, और लेबल लगाना कितना आसान है दोस्तों, कितनी आसानी से आप लेबल लगा सकते हो। फिलहाल हमारे पास ये भरा हुआ बोतल है, आप इसके अंदर खाली बोतल के ऊपर भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि बोतल भरा हुआ ही होना चाहिए। इस तरह से खाली आपको बोतल लगा देना है। अब देखिए बोतल लग गया है, जो भी लेवल सेटिंग है, छोटा बड़ी साइज का साइज है तो वो हिसाब से आपको अप डाउन सेटिंग करना है। स्टिकर कहाँ पे लगाना है, स्टिकर आपको ए ग्रिप में लगाना है या स्टिकर यहाँ पे लगाना है? अगर यहाँ पे लगाना है तो आप इसका साइज सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल ग्रिप हमने बोतल का दिया इसलिए हम यहाँ पे स्टिकर लगाने वाले इसमें। अब देखिए ये आपने बोतल लगा दिया और इस तरह से खाली आपको ये फाइनल बोतल आपका लेबल लग चुका है बेहतरीन क्वालिटी का फिनिशिंग वाला। आप देखिए स्टेप टू स्टेप कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं, हमने जो आपको अभी बोतल दिखाया और ये बोतल देखिए एक 0% भी अंतर नहीं है। यहाँ पे देखिए तारीख जो भी हमने 42/29 लिखा है तो ये डेट है और इसको और लाइट डार्क करना है तो उसका भी यहाँ पे मीटर दिया गया है दोस्तों। अब देखिए ये तारीख को भी आप थोड़ा क्लियर करना है इसको, जैसे कि थोड़ा डार्क दिख रहा है, अगर आपको क्लियर करना है तो ये डिस्प्ले में से आप सेटिंग कर सकते हो कि कितना गाढ़ा करना है, कितना झाड़ा करना है इसको, आप कितना थिक करना है, इसका ब्राइटनेस बढ़ाना है कम ज्यादा करना है, यहाँ से आप डिस्प्ले में से सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे डेट कोडिंग का स्टैम्प गिरेगा जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो एक साथ यहाँ पे स्टैम्प दिया है, देखिए इसमें से डेट होगा इसके अंदर, अभी हम दबाएंगे इसलिए देखिए इसके साथ ही स्टैम्प होगा दोस्तों। अब देखिए स्टैम्प लग चुका है, यहाँ पे हमारे पास बोतल हाथ में आ चुका है, जैसे पहले बोतल डाला था उस तरह से इसी तरह वापस आ चुका है। देखिए यहाँ पे वापस तारीख आ चुका है, देखिए डेट कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है डेट आपको, यहाँ पे लगाना है, तो आप एरिया भी सिलेक्शन कर सकते हो कौन से एरिया के ऊपर आपको डेट लगना चाहिए इसके अंदर। मशीन की कैपेसिटी है दोस्तों 1 मिनट के अंदर 45 से 50 बोतल आसानी से, कोई भी नया आदमी है उसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। आप देखिए इस तरह से आप इसको अर्जेंटली जितना भी स्पीड है
फुल हैवी स्पीड पे आप इसको वर्क कर सकते हो, निकल गया, इसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, कितना स्पीडली काम होता है इसमें आप देखिए, जरा भी रुकना नहीं है, जरा भी अटकना नहीं है। अब देखिए कितनी सेकंड में हमने कितना काम लाइव टू लाइव करके आपको दिखाया, आप देखिए कंटिन्यू कितना वर्क होता है इसके अंदर, स्टेप बाय स्टेप, जरा भी रुकते नहीं है दोस्तों, आप देखिए कितना वर्क हो रहा है कंटिन्यू, और सभी चीज एक ही समान रहता है, सभी स्टिकर एक ही समान और एक ही लेवल से लगता है, कभी भी लेवल कम ज्यादा नहीं होता है। देखिए आप इसका जो लेवल दिया है वही लेवल के हिसाब से पूरा सेटअप चल रहा है। आप देखिए कितना बोतल हमने कितनी सेकंड के अंदर कर डाले, आप देखिए रेड बोतल को भी लगा देते, देखिए 2024 का सबसे लेटेस्ट एडवांस फंक्शन वाला मशीन है, पूरी मशीन एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन से बनाई है। अब देखिए एल्यूमिनियम है पूरा, स्टील नहीं है, स्टील होता है तो पतरा आगे पीछे होकर मुड़ जाता है और इसका मेंटेनेंस बिगाड़ देता है, इसको जरा भी मेंटेनेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए पूरा एल्यूमिनियम है, अगर स्टील बॉडी हम रखते हैं ना तो ये पूरा हिलन चिलन होता है इसको, तो इससे पूरा इसका मेजरिंग जो पूरा सिस्टम है पूरा एक्यूरेसी है पूरा घूम जाएगा, इसलिए पूरी बॉडी को हमने एल्यूमिनियम से बनाया है। अब देखिए पूरा चारों साइड से इस तरह से पीछे रोल भी लगा सकते हो, इसका थिकनेस बड़ा करना है आपको तो यहां तक का बड़ा थिकनेस वाला आप स्टिकर लगा सकते हो, ये पूरा बाहर आ जाएगा, इसको कितना कम ज्यादा करना है यहाँ से आप लेवल इसको सेट कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक दूसरा मॉडल भी है, ये सेमी ऑटोमेटिक है, इसमें ऑटोमेटिक कन्वर्जर बेल्ट वाला चाहिए तो कन्वर्जर बेल्ट वाला भी मॉडल डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी के पास अवेलेबल है। मशीन की प्राइस डिटेल डिस्काउंट प्राइस क्या चल रहा है हर एक डिटेल जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।